NFT का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन्स, जिनकी शुरुआत हुई थी तकरीबन 2014 से और आज इनके रेट्स इंटरनेट पे आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग नए नए आते हैं वो इसके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं और खरीद लेते हैं और भारी नुकसान भी उठाते हैं। आइए जानते हैं NFT होता क्या है। NFT का मतलब होता है डिजिटल ओनरशिप, जो किसी भी एसेट की हो सकती है। वो एसेट डिजिटल हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, जैसे कि कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई सोशल मीडिया ट्वीट या सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट, ये सब भी जो भी डिजिटल इंटरनेट पे है उसकी आप डिजिटल ओनरशिप क्रिएट कर सकते हो NFT पे। या फिर वो एसेट रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है, जैसे कि कोई पेंटिंग हो गई, एनी पीस ऑफ आर्ट, कोई प्रॉपर्टी, इन सब के भी NFTs क्रिएट किए जा सकते हैं। NFT को करने की जरूरत क्यों पड़ती है और फिर लोग उसको खरीदते क्यों हैं? NFT के थ्रू लोग कलेक्ट करते हैं आइटम्स। इट इज अ कलेक्टेबल आइटम। आपने सुना होगा कि कोई कोई पेंटिंग्स लाखों करोड़ों की बिक जाती हैं, कोई कोई पेंटिंग्स जो बिल्कुल लकीरें होती हैं कागज पे और वो भी इतनी महंगी बिक जाती हैं। वो लोग क्यों खरीदते हैं? उन पेंटिंग्स का अपने आप तो कोई यूज नहीं है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट। वो एज अ कलेक्टेबल खरीदते हैं, पुराने सिक्के जो चलते नहीं है लेकिन लोग एज अ कलेक्टेबल आइटम खरीदते हैं। तो उसी हिसाब से लोग NFT खरीदते हैं एज अ कलेक्टेबल आइटम, ताकि वो अपने पास कलेक्ट करके रख सकें और अगर उसकी कीमत उन्हें अच्छी मिले तो उसको बेच भी सकें। मतलब वो लोग जो वो पैसा लगाना चाहिए NFT में जिसको खोने से आपको दुख ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने का आप खरीदें कल को वो उतने का ही बिक जाए। हो सकता है कि उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। जिन लोगों ने NFT में पैसे कमाए हैं तो बहुत ज़्यादा कमाए हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने NFT में बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाया। जो कुछ भी उन्होंने खरीदा आगे वो किसी और को चाहिए ही नहीं, तो बिकेगा ही नहीं, तो उसको लेके पड़े रहो, आपके पैसे की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो। NFT का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिजिटल ओनरशिप क्रिएट की जाती है किसी भी एसेट की, उस ओनरशिप की वैल्यू होती है। तो जो लोग खरीदते हैं वो उस वैल्यू के लिए खरीदते हैं, क्योंकि अगर मान लो किसी डिजिटल वीडियो की या इमेज की आप NFT कराते हो तो वो तो पहले इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी दुनिया में जाए और इमेज देख ले, उसको डाउनलोड कर ले, वीडियो देख ले, डाउनलोड कर ले, लेकिन उसकी ओनरशिप सिर्फ एक आदमी के पास हो सकती है। तो वो इमेज तो सबको फ्रीली अवेलेबल है लेकिन ओनरशिप एक के पास है, तो उस ओनरशिप का रिकॉर्ड है ब्लॉकचेन में कि ये ओनरशिप फला फला आदमी के पास है, इस एसेट का ID ये है और इस ओनरशिप की वैल्यू है। तो अगर वो इमेज की ओनरशिप किसी को चाहिए तो वो उसको उससे खरीदनी पड़ेगी। अब अगर वो बहुत ही स्पेशल इमेज है, स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, बढ़ती रहे दिन ब दिन, और अगर वो किसी को भी नहीं चाहिए तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। मान लो एक फॉर एग्जाम्पल किसी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की, महात्मा गांधी की पहली लिखी हुई चिट्ठी, तो अगर उसका कोई NFT करा ले तो बहुत चांसेस हैं कि इसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती रहे। जो इसको कलेक्ट करके रखेगा उसके पास ये कहने के लिए कि महात्मा गांधी ने जो पहले सबसे चिट्ठी लिखी थी उसके ओनरशिप राइट्स मेरे पास हैं, तो हो सकता है वो बिक जाए अच्छे रेट पे, राइट? तो स्पेशल चीज़ों की NFT की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन आप देखोगे जब आप इनको खरीदने जाओगे ऐसी स्पेशल चीज़ों को तो उनके रेट्स पहले ही बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सही प्राइस पे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। जस्ट बिकॉज कि आपके पास पैसे हैं और आप खरीद सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खरीदना चाहिए। बहुत ही रिस्की कमोडिटी है और बहुत ही सोच समझ के इसमें पैसे लगाने चाहिए। कहाँ से खरीदें, ये तो बहुत आसान है। जैसे आप Amazon पे शॉपिंग करते हो वैसे ही NFT की अपनी मार्केट प्लेसेस हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, इन मार्केट प्लेसेस पे आप जा सकते हो और दुनिया भर के एसेट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं और आप इस पे जा सकते हो। इनके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कॉइन्स पर होते हैं, क्रिप्टो कॉइन्स पर होते हैं। क्रिप्टो कॉइन्स पे आपको इनकी प्राइसेस लिस्टिंग में दिखेंगे, उसके हिसाब से आप जाओ खरीदो। अगर आप चाहो तो अपना एक वॉलेट बना सकते हो जहाँ पे आपकी क्रिप्टो करेंसी होगी, उसके थ्रू खरीद सकते हो या फिर अपने एक्चुअल क्रेडिट कार्ड से भी खरीद सकते हो। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन NFTs के बारे में। इफ़ यू लाइक इट देन डू कंसिडर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।